पीएलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजीटी पीएचडी मैथ्स के लिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस का वीडियो नंबर 2 यानी एपी का वीडियो नंबर 2 है। तो इसमें क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद यानी एनस टर्म टू एन माइनस वन है, तो उसका सातवां पद बताना। तो सातवें में क्या करेंगे, एन की जगह 2 रख 7 रख देंगे, तो 14 माइनस वन यानी कि 13 आ जाएगा इसका सातवां पद। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है एक श्रेणी का एनवा पद 3n-5 है, तो श्रेणी बताओ। श्रेणी कैसे निकालेंगे, एन इक्वल टू 1 रखेंगे पहला पद आएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद आएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद आएगा। तो श्रेणी बतानी है, श्रेणी याद करो ठीक है। एन इक्वल टू 1 पर पहला पद आ जाएगा, पहला पद 3 × 1-5 यानी कि -2, एंड एन इक्वल टू 2 रखने पर दूसरा पद आएगा, दूसरा पद 3 × 2-5 यानी कि 6-5 = 1, एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो तीसरा पद होगा 3 × 3-5 यानी कि 9-5 = 4। सीरीज बननी -2, 1, 4। देखिएगा डिफरेंस 3 का है, -2 से 1 में 3 का डिफरेंस है, एंड उसके बाद 1 to 4 में भी 3 का डिफरेंस है। तो आगे क्या होगा, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, ऐसे ऐसे सीरीज बनती चली जाएगी। यानी कि जब कॉमन डिफरेंस वाली सीरीज होती है, वह श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो, यानी कि डिफरेंस इक्वल हो, कॉमन डिफरेंस हो ठीक है, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो उसके पद बराबर बराबर डिफरेंस से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं ठीक है। तो ये होगी श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जैसे √2, 3√2, 5√2, √√2 का 20वां पद याद करो, 20वां पद ठीक है। एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, ए यानी कि फर्स्ट टर्म हुआ √2, एंड डी कॉमन डिफरेंस 3√2-√2, √2 कॉमन लिया, 3-1 यानी कि 2√2 हुआ, डी आया। एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, एनवा पद होगा ए प्लस n-1 × d, तो ये होगा √2 प्लस एन यानी कि 20। 20वां पद लेना है, 20वां पद 20-1 × d है 2√2 ठीक है। तो √2 प्लस का 19 × 2√2, तो यह हो जाएगा 38√2 ठीक है। कॉमन लिया तो यह होगा 39√2 ठीक। तो इसका 20वां पद हो गया 39 × √2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1/n, n+1/n एंड 2n+1/n का 100वां पद ज्ञात करो, 100वां पद ज्ञात करो ठीक है। यानी कि n वां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, a = 1/n, d = n+1-, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी कॉमन डिफरेंस, ये आ गया n/n यानी कि 1 आ गया, 1 का कॉमन डिफरेंस इनमें बना हुआ है ठीक है। n वां पद का फॉर्मूला लगाते हैं, n वां पद a + n-1 × d, इसको कैपिटल मान ले, n की जगह क्योंकि यहाँ पे n चल रहा है, 100वां पद n की जगह 100 रख दें, 100वां पद इक्वल टू a + 100-1, 100-1 × d यानी कि a + 99d, a हो गया 1/n + 99, d का वैल्यू 1 यानी कि 1/n + 99, तो यहाँ हो जाएगा 1+99n ठीक है। 1+99n/n ये हो जाएगा श्रेणी का 100वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे है 1/2, 1, 3/2, .. का 100वां पद ज्ञात करो, 100वां पद। तो देखते हैं इसमें श्रेणी समांतर श्रेणी है, यानी कि a = 1/2 फर्स्ट टर्म, एंड d = 1-1/2, 1/2 आया, 1/2 बढ़ रहा है, n = 100 है, 100वां पद निकालना। यानी कि एन वी पद का फॉर्मूला लगाएंगे, एन वा पद होता है a + n-1 × d, यानी कि 100वां पद हो जाएगा, 100वां पद यानी a + 100-1 × d यानी a + 99 × d, a = 1/2 + 99 × d की वैल्यू हुआ 1/2, तो एलसीएम लिया 1+99 यानी कि 100/2, 100/2 यानी कि 50। तो 100वां पद कितना आ गया इसका, 50 आ जाएगा, 50 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1/n² 1+n² / n² 1+2n² / n² .. का n वां पद, इसका n वां पद ज्ञात करना है ठीक है।
ठीक, ए इक्वल टू होगा वन अपॉन एन स्क्वायर, ए इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर है, एंड डी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा पद, वो सॉरी 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 डी हो जाएगा वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एन स्क्वायर, एल सी एम ने एन स्क्वायर वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हुआ, एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यानी कि वन आ गया, एन वा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, एन वा पद ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए की जगह वन बाई एन स्क्वायर है, एन माइनस वन डी की जगह वन है, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन, इसका एन वा पद आ जाएगा, ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6, 2, 50 का अंत से आठवां पद ज्ञात करो, अंत से आठवां पद, ठीक है, तो अंत से एनवे पद का ए इक्वल टू टू है, डी इक्वल टू भी यहाँ पे 4-2 इक्वल टू टू है, एंड एल इक्वल टू 50 है, लास्ट टर्म 50 है, अंत से एनवा पद होगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, अंत से हमको लेना है आठवां पद, अंत से आठवां पद यानी कि एल माइनस एट माइनस वन इंटू डी, तो हो गया एल माइनस सेवन डी, एल की वैल्यू हो गया 50 माइनस सेवन डी की वैल्यू ट्रू, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 14, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो आएगा, ठीक है, ये अंत से टर्म आ जाएगा, अंत से आठवां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है